नमस्कार भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े सरकारी नौकरी के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बम्पर खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ। अगर दोस्तों आप भी बेरोजगार है और दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ग्राम पंचायत बम्पर भर्ती 2022 के बारे में बताने वाला हूँ। आप सब लोगों के लिए ग्राम पंचायत भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है, जिसमें दोस्तों आपके ना तो कोई परीक्षा होगी ना तो कोई इंटरव्यू होगा और इसमें दोस्तों कोई पद नहीं है यहाँ पर, और उपयुक्त पद है मतलब कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दो यहाँ पर पद लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी और नौकरी करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा, आप लोग अपने ही ग्राम में मतलब कि अपने ही ग्राम पंचायत में नौकरी कर सकते हैं। पूरे भारत के लिए दोस्तों जॉब है। अगर आप भारत के चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप भारत के किसी भी राज्य या फिर दोस्तों किसी भी गांव शहर में रहते हैं भाई बहनों, यहां पर आप लोग इस भर्ती का ये वाला फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और फॉर्म भर के आप लोग आसानी से नौकरी ले पाएंगे। तो किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, भारत के सभी राज्यों से मैं आपको फॉर्म भरकर दिखाऊंगा। और दोस्तों योग्यता की बात करें तो 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास रखी गई है और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पंचायत से दो पद रिक्त है। माना कि दोस्तों ये हुआ कि प्रत्येक ग्राम की प्रत्येक ग्राम पंचायत में से दो यहाँ पर आदमियों को नौकरी लगाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत में दो पद रिक्त हैं और दोनों पदों पर आपको नौकरी करनी होगी और दोस्तों यहाँ पर आपको नौकरी आसानी से मिलेगी। जो लोग हमारा वीडियो देखेंगे तो उनको यहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौन सी आवेदन की शुरुआत डेट है, कौन सी लास्ट डेट है, कब से आवेदन शुरू होंगे और भाई बहनों यहाँ पर कौन कौन से लोग कितने तक आवेदन कर पाएंगे, साथ ही में दोस्तों आयु सीमा क्या कुछ रखी गई है और इसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत भर्ती की जो ऑफिशियल जानकारी होती है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला हूं। इसलिए भाई बहनों, अगर आप भी सच में नौकरी लेना चाहते हैं, सच में जॉब लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई बहनों आप इस यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट हेल्पलाइन को यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई बहनों यहां पर हम आपके लिए रोजाना जो भी आपके फायदे की वीडियोस होती है तो यहां पर सबसे पहले अपलोड करते हैं और दोस्तों आपको भी उन वीडियो को देखने के बाद में बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपका मन कहे तो यहां से वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन दोस्तों वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, वीडियो देखने से ही आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नाम, अपने राज्य का नाम और दोस्तों आपके यहां पर नाम क्या है, साथ ही में आपकी योग्यता कितनी है, तो ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी है। कमेंट करने से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, फायदा क्या होगा तो आगे जानेंगे। चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो भाई बहनों देख सकते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायत के बेहतर विकास के लिए ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें दोस्तों ग्राम सहायक, ग्राम सचिव और ग्राम शिक्षक भर्ती का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा भाई बहनों यहां पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत भर्ती 2022, इसके अलावा दोस्तों महिला पुरुष दोनों के लिए बहुत बड़ी भर्ती आई। वेतनमान दोस्तों आपको 28,000 रुपए महीने के मिलेंगे। योग्यता दोस्तों 8वीं, 10वीं और 12वीं पास रखी गई है। ग्राम पंचायत, ग्राम सहायक, ग्राम सचिव, ग्राम शिक्षक, इस प्रकार के दोस्तों यहां पर इसमें पद है। बिना परीक्षा सीधे ही मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होगी, इसमें कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना होगा। ऑल इंडिया जॉब है। भारत के किसी भी शहर, राज्य, गांव में रहते हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नोट देख सकते हैं कि भारत की सभी ग्राम पंचायतों से 2 ग्राम सहायक, 2 ग्राम सचिव और 3 ग्राम शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको तो नौकरी पक्की मिलेगी, इसमें बहुत ज्यादा पद है। ये फॉर्म भी दोस्तों आगे मैं आपको इस वीडियो में भरकर दिखा दूंगा, इसलिए दोस्तों जिन लोगों को फॉर्म भरना है तो वो लोग वीडियो को देखते रहिए। साथ ही में दोस्तों देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती के तहत विभिन्न पदों के लिए रोजगार समाचार प्रकाशित किया गया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर कर लें। पहले तो भाई बहनों आपको वीडियो पूरा देखना होगा और देखने के बाद में ही आपको इसमें आवेदन करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड वेबसाइट आउट, यानी दोस्तों नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपको बता दूंगा और वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। पोस्ट विवरण के बारे में जानते हैं तो भाई बहनों सख्त ग्राम यहाँ पर सहायक में देखें तो पंचायत में 2 और ग्राम सचिव में हर पंचायत में 2, ग्राम शिक्षक में हर पंचायत में 3 यहां पर पद रिक्त है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो भाई बहनों ग्राम सहायक में 8वीं पास, ग्राम सचिव में 10वीं पास और ग्राम शिक्षक में 12वीं पास यहां पर योग्यता रखी गई है।
वो कैन अप्लाई, तो भाई बहनों ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, 8वीं 10वीं 12वीं पास के लोग जो हैं वो आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतने आवेदन हुए हैं। और ग्राम आयु सीमा की बात करते हैं तो ग्राम सहायक में 18 से लेकर 35 साल के बीच में, ग्राम सचिव में 18 से लेकर 35 साल के बीच में, और ग्राम शिक्षक में 18 से लेकर 30 साल के बीच में आयु सीमा आपकी रखी गई है। सभी पदों से महिलाएं जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग से संबंधित हैं तो उनको 5 साल की छूट का प्रावधान है, मतलब कि छूट दी जाएगी। वेतनमान के बारे में जानते हैं तो ग्राम सहायक में 20,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, ग्राम सचिव में आपको यहां पर 28,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, वहीं पर दोस्तों ग्राम शिक्षक में आपको 32,000 रुपए महीने की सैलरी आपको दी जाएगी। आवेदन शुल्क के बारे में जानते हैं तो भाई बहन यहां पर जनरल के लिए 150 रुपए फॉर्म फीस है, ओबीसी एससी एसटी फीमेल को कोई फॉर्म फीस नहीं देनी होगी, बिल्कुल फ्री है। आवेदन कैसे करें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आवेदन तिथि के बारे में जानते हैं तो भाई बहन यहाँ पर 1/8 मतलब कि दोस्तों लगभग इसमें दोस्तों 1/8 बताए गए, लेकिन दोस्तों 20 अगस्त से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और करीबन सितंबर के बाद में आप इसमें लास्ट डेट बताई गई है। आवेदन तिथि के बारे में जानते हैं तो सभी पदों के लिए 20 अगस्त से आवेदन शुरू हो जाएंगे और पंचायती राज मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पर इस सप्ताह के लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपको बता जाएगा और 20 अगस्त के बाद में यहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 अगस्त बताया गया है, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ जिसमें 20 अगस्त बताया गया है। दोस्तों यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट देख सकते हैं, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना होगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।